है हमारी एक्सक्लूसिव खबर जानने का, प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं एक और एक्सक्लूसिव लेकर। क्योंकि सरकार बढ़ती मांग के चलते डीजल का एक्सपोर्ट बैन कर सकती है, ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। प्रकाश के पास ये सारी डिटेल्स हैं। प्रकाश से पहले समझ लेते हैं, प्रकाश ये तो बड़ा क्रूशियल स्टेप होगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? और देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार डोमेस्टिक मार्केट में डीजल के डिमांड में तेजी को देखते हुए इस विकल्प पर विचार कर रही है कि कुछ समय तक डीजल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। अगर आप डिमांड के आंकड़ों पर नजर डालें तो सालाना आधार पर मई महीने में 39% से भी ज्यादा की तेजी आई है डिमांड में। वहीं मासिक आधार पर यानी कि अप्रैल महीने के मुकाबले इसमें करीब 2% की तेजी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि गवर्नमेंट का अनुमान ये है कि सिंचाई का सीजन शुरू होने के बाद डीजल डिमांड में और तेजी देखने को मिल रही है। जहां तक प्राइवेट कंपनियों का सवाल है, वो बेटर प्रॉफिट के लिए ज्यादा चंक जो डीजल प्रोड्यूस करते हैं उसको उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में जो उनके रिटेल आउटलेट्स हैं उस पर सप्लाई में 50% से भी ज्यादा की कटौती निजी कंपनियों ने कर दी है। हालांकि इस गैप को जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो फिलअप कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन प्रति लीटर जो लॉस है वो 23 से 25 रुपए के आसपास पहुंच गया है डीजल के ऊपर। हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में डीजल की शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड में तेजी आ रही है और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है उसको देखते हुए सरकार एहतियातन कदम उठा रही है, उस पर विचार कर रही है, और एक्सपोर्ट बैन के अलावा कई दूसरे विकल्प भी हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को लेकर भी राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है उसको नियंत्रण में रखने के लिए डीजल सब्सिडी देने पर भी विचार किया जाए। जैसा कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई बाधित हुई है और यूरोप अमेरिका जैसे देशों में डीजल की खपत काफी बढ़ी है, जिसकी वजह से ये डिमांड सप्लाई मिसमैच देखने को मिल रही है। ये देखिए, पुतिन साहब ने जो अपना वहाँ पे कार्यक्रम किया है उसके लिए कितना डिसरप्शन है, पूरे दुनिया में डिसरप्शन हो रहा है। इनफैक्ट गौरांग, मुझे